नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल गार्डनिंग विद अभी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, हम बनाएंगे एक ऐसा कंपोस्ट घर के वेस्ट चीज़ों से, जो वेस्ट समझ के हम फेंक देते हैं, उनकी मदद से हम कंपोस्ट बनाएंगे और उस कंपोस्ट की मदद से हम अपने जो फ्रूटिंग और फ्लावरिंग प्लांट है उसमें ढेर सारी फ्लावरिंग लेंगे। दोस्तों, जो कंपोस्ट हम बनाने जा रहे हैं, ये कंपोस्ट जो फ्रूटिंग वाले प्लांट्स हैं या फिर जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं आपके, उनके लिए एक वरदान होगा, अमृत समान होगा। तो कंपोस्ट को कैसे बनाना है, किन किन चीज़ों को इस्तेमाल करके बनाना है, इसको जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो आइए दोस्तों, चैनल वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको पहले दिखा दूं कि हम किन किन चीज़ों का यूज करेंगे। देखिए दोस्तों, पहली चीज़ अंडे का छिलका, जो कि हमने ऑलरेडी क्रश करके रखा हुआ है। अगर आपके पास क्रश करके नहीं रखा हुआ है आपने सुखा के, तो आप नॉर्मल अंडा ले सकते हैं और अंडे को फोड़ के उसका जो अंदर का हिस्सा है उसे निकाल दीजिए और उसे कुछ देर धूप में सुखा दीजिए, और सुखाने के बाद इस प्रकार आप रख लीजिए। दूसरा दोस्तों, ये देख रही हैं आप चाय की पत्ती, ये चूंकि मेरी फ्रेश है, लेकिन आपको क्या करना है, जो घर में यूज होती है चाय बनने में, वो चाय पत्ती लीजिए और उस चाय पत्ती को धुल के छान के सुखा लीजिए और सुखाने के बाद यूज कीजिए। बिल्कुल दोनों का सेम वर्क होगा, कोई अंतर नहीं आएगा। मेरे पास चूंकि अभी वो प्रेजेंट टाइम पे मौजूद नहीं था, इसलिए मैंने फ्रेश टी लीव्स ले ली हैं। अब दोस्तों तीसरी चीज़ है, आइए चलिए मैं दिखाता हूँ उसका। तो मेरे पास पूरा जखीरा भरा है, ये देखिए दोस्तों, ये है प्याज का छिलका, अमृत है पौधों के लिए। देखिए कितना ढेर सारा छिलका मैंने इकट्ठा करके रखा हुआ है। तो दोस्तों, अगर आप गार्डन में प्याज का गार्डनिंग करते हैं तो प्याज के छिलके का महत्व आपको पता होगा, बहुत ही अच्छी चीज़ है ये हमारे पौधों के लिए। इसमें हमें पोटेशियम, जिंक काफ़ी प्रचुर मात्रा में मिलती है। तो दोस्तों, प्याज के छिलकों को गार्डन में यूज करना है, इससे लिक्विड फर्टिलाइजर कैसे बनाए, इसकी पहले भी मैंने वीडियो अपलोड कर रखी चैनल पे, अगर आप देखना चाहते हैं तो उसे जाके चैनल में देख सकते हैं। लेकिन प्याज का छिलका कई रूप से फ़ायदेमंद है, अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये हमारा NPK फर्टिलाइजर तैयार होगा, जिसमें चाय की पत्ती में नाइट्रोजन करीब 4% के आसपास होता है, इसमें फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा थोड़ी कम होती है, लेकिन नाइट्रोजन की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है, कैल्शियम थोड़ा कम मिलता है इसमें, बाकी कैल्शियम के लिए हम अंडे का छिलका यूज कर रहे हैं, और पोटेशियम और फास्फोरस के लिए इन तीनों चीज़ों से मिलकर हमारा एक बेहतर NPK कंपोस्ट बन के तैयार होगा। अब दोस्तों, मैं ज़रा आपको साथ साथ ये भी बता दूं कि NPK जो पौधों की ओवरऑल ग्रोथ के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, उसमें क्या होता है, N फॉर नाइट्रोजन, जो कि पौधों की ग्रोथ के लिए काफ़ी अहम होता है। फिर फास्फोरस फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के लिए काफ़ी अहम होता है। और तीसरे नंबर पर पोटेशियम, जो कि पौधों की प्रकाश संश्लेषण क्रिया और रूटिंग ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। तो NPK जो बैलेंस्ड फर्टिलाइजर हम देते हैं, उससे पौधों की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। तो ये तीनों इन्ग्रीडियंट्स यूज करके हम आज कंपोस्ट बनाएंगे। कैसे बनाना है और कैसे फिर इसे यूज करना है अपने पौधों में, पूरी जानकारी के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, एक चीज़ मैं और बता दूं आपको कि अंडे के छिलके को, और अगर चाय पत्ती आप यूज कर रहे हैं, तो इसे धुल के सुखाना बहुत आवश्यक है, वरना हम जब इसे मिक्सर में ग्राइंड करेंगे तो ये ग्राइंड होने की बजाय पेस्ट बन जाएगा, तो हमें पेस्ट नहीं बनाना है। तो देखिए, इस प्रकार से हमने तीनों को जो बाउल है हमारा मिक्सर का, उसमें रख लेंगे, भर लेंगे, और अगर ये सूखे होंगे तो अच्छे से क्रश हो जाएंगे सारे, देखिए, और चाय की पत्ती। अब इसमें अगर मात्रा की बात करें तो आप तीनों को बराबर मात्रा में ले सकते हैं, लेकिन बराबर मात्रा में आप ले नहीं पाएंगे, मेजर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्याज के छिलके का चाय पत्ती के साथ मेजरमेंट नहीं हो पाएगा। तो थोड़ी मात्रा कम ज़्यादा होती है, इससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाते हैं हम, तो आप मेजरमेंट के पीछे मत जाइए, बस तीनों को अपनी तरफ से बैलेंस
लेके चलिए। और फिर इसे हम इस प्रकार से देखिए इसमें ग्राइंड कर लेंगे। तो दोस्तों देखिए ये हमारा ग्राइंड होके क्रश होके रेडी है। अब फर्टिलाइजर ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इसमें क्रश हो गया। तो इसे हम निकाल लेंगे अपने को दिखाता हूँ। ये देखिए इसमें हम निकाल लेंगे बर्तन में। और ये देखिए दोस्तों काफ़ी अच्छे से ये क्रश हो चुका है। अब इसे आप इस ड्राई फॉर्म में किसी भी चीज़ में बंद चीज़ में स्टोर करके करीब 3 से 4 महीने तक रख सकते हैं और 3-4 महीने तक इसे आप यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों ये तैयार तो हो गया है लेकिन इसे यूज कैसे करना है तो अब हम आते हैं उस पर। तो दोस्तों इस फर्टिलाइजर को यूज करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ कि जिस भी पौधे में, जैसे देखिए मैं इस गुलाब के पौधे में इसे यूज करने जा रहा हूँ। इस पौधे में हमारे कुछ फ्लावर्स ऑलरेडी आ रहे थे। गर्मियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि दिन भर में पत्तियाँ इसकी सिकुड़ जाती हैं। हमने वाटरिंग देखी अच्छे से कर रखी है इसमें। और इसमें फर्टिलाइजर देने से पहले मैं आपको दिखाऊं जो पुराने फूल हैं इन्हें आपको हटा लेना है। और देखिए इसमें नई कलियाँ आने लगी हैं और नई ग्रोथ स्टार्ट हो रही है। तो आपको क्या करना है कि जो भी इसमें पुरानी बड्स लगी हों, सूखे पत्ते हों, इंसेक्ट्स दिख रहे हों तो उसके लिए आप इंसेक्टिसाइड यूज कर लें, उसके बाद ही इस फर्टिलाइजर का यूज करें। अब दोस्तों मैं दिखाऊं आपको, देखिए ये गुलाब के पौधे की जो सॉयल है ये थोड़ी हमने गीली कर रखी थी, वाटरिंग इसमें हुई है। तो इसमें हम मिट्टी को थोड़ी लूज कर लेंगे किसी टूल की मदद से। ये देखिए बड़े अच्छे से मिट्टी, अगर आपकी सॉफ्ट है तो काफ़ी अच्छे से लूज हो जाएगी। ये देखिए तो मिट्टी को हम चारों तरफ से हल्की हल्की लूज कर लेंगे। और मैं आपको बताऊं ये जो कंपोस्ट हम बना के रेडी किए हुए हैं इसको हम सिर्फ गुलाब के पौधे में ही नहीं, इवन किसी भी फ्लावरिंग या फ्रूटिंग आप इसको दीजिए किसी वेजिटेबल प्लांट में या फिर फ्लावरिंग प्लांट में जिस जो अभी फ्लावरिंग की स्टेज पे आ रहा है। ये फ्लावरिंग स्टेज आने से करीब 15 दिन पहले आप इसमें ये फर्टिलाइजर दीजिए और एक पौधे में आपको इस प्रकार 1 से 2 मुट्ठी ऐसे आपको देना है। देखिए देने का तरीका, इसको हमने चारों तरफ से गमले में स्प्रिंकल कर देना है मिट्टी में। और गमले की साइज के हिसाब से आप इसकी मात्रा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाएगा आपके पौधे को। अगर ज़्यादा मात्रा भी हो जाती है तो भी। और फिर एक बार इसकी हल्के हल्के मिट्टी में हम इसे गुड़ाई करके मिला देंगे। और जब भी आप फर्टिलाइजर दीजिए तो ये ध्यान रखिए कि मिट्टी पहले से नम हो, ड्राई मिट्टी जो पूरी तरह से ड्राई हो उसमें आप फर्टिलाइजर ना दें। और फिर इसके बाद हम इसमें कर देंगे वाटरिंग। वाटरिंग इतनी कर देंगे कि जो भी हमने कंपोस्टिंग करी है वो पानी में भीगे और उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पौधे की रूट्स तक पहुँचें। इससे दोस्तों आपके जो पौधे की लीव्स हैं वो भी काफ़ी हरी होंगी, जो कभी पीलीपन या उसमें हरापन जो कम देखने को मिलता है तो वो भी कम होगा, काफ़ी हरी लीव्स होंगी और चमक आएगी पौधों में और ढेर सारे फ्लावर्स आपको आपके पौधों में देखने को मिलेंगे। अगर आपका वेजिटेबल प्लांट है तो जो पौधे में कलियां बनने लगती हैं, फ्रूट्स बनने स्टार्ट होते हैं, उससे पहले आपको ये देना है और देने के बाद उसमें वाटरिंग करके 15 दिन बाद आपको रिजल्ट देखने को मिलने लगेगा। तो दोस्तों अगर जानकारी पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।